तो गाइस कैसे लग रही है बता देना जरा। कि अगर अच्छी नजरों से देखोगे तो नजर लगेगी ही नहीं। वाह 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 वाह। एक सीन क्रिएट किया है कि हिमलता को देंगे सरप्राइज, तो प्रैंक कर रहे हैं उसके साथ। गाइस इसको बहुत चक्का चढ़ रहा है, इसको कह रही है भांग पीनी है मुझे। The 24th of March 2024. Hello guys, good morning, welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का vlog मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी माँ के साथ। रोज दीदी के साथ करता हूँ, मैं आज माँ के साथ करता हूँ। घर पे हम आए। Hello guys, कैसे हैं सब? बढ़िया है। होली की शुभकामना सबको। घर पर आए थे हम रात को। आज है होलिका दहन, जो होलिका की पहले पूजा होगी तो उसकी तैयारियाँ चल रही है। अभी पूजा है तो हिमलता रेडी होने गई है और ओवरऑल चीजें बन चुकी है, बस हलवा बन रहा है ना मम्मी। ये बन रहा है गर्मा गर्म सूजी का हलवा। इसको देख के बताया क्या याद आ रहा है, बचपन में कभी भी हलवा खाने का मन होता था ना, मम्मी को बोलते थे मम्मी फटाफट से बना दे। मेरा फेवरेट रहा करता था सूजी का हलवा, हालांकि मैं अभी नहीं खाऊंगा। आज मेरा लास्ट डे है 75 हार्ड का। अभी बीच में बनाया था हलवा, मन की रात भी बहुत कहता था, जब मम्मी आती जब हलवा बना लेते थे। हाँ, बेसन का भी, बेसन का बनाती थी, बेसन का ही बनाया था अभी उस दिन मैंने। अच्छा, बेसन का बनाया था, गरम गरम ही टेस्टी लगता है वो। हाँ। तो गाइस ये यहाँ पे मोहतरमा रेडी हो गई है होली की पूजा के लिए। ये देख क्या बात है, चुटीला दिखाओ चुटीला। ओहो ये है चुटीला। जचदी है बड़ी जचदी है, नाल तू जदू मेरे खड़दी है, लगदी है सोनी लगदी है, कातिल तेरी अदा। तो गाइस कैसे लग रही है बता देना जरा, कमेंट कर देना अच्छे भर देना, कमेंट कर करके बार नजर भी उतार देना। नजर तो आप उतारोगे। सिस्टी रेडी हो रही है। नहीं मैं बताती हूँ। हाँ, कि अगर अच्छी नजरों से देखोगे तो नजर लगेगी ही नहीं। वाह 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 वा। गलत नजरों से देखोगे तो नजर लगेगी। और सिस्टी ने पहना है पिंक। हाँ, व्हाइट और पिंक। और मुझे नाश्ता नहीं मिला अभी तक, 11 बज गए। किट्टू की डाइट देख लो, किट्टू सेब खा रही है। तो गाइस पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, इधर रेडी खड़ी है जाने के लिए। सारा होली का पूजा की नहीं है ये। होली का पूजा होली का पूजा हो चुकी है, अब जा रहे हैं घर। मुझे पता था। अरे मेरी की चूड़ी दीजिए। अब हो गई होली पूजा, करेंगे पेट पूजा। हाँ, पेट पूजा ना, मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ है। देखो गाइस सिस्टी ने ये पेंटिंग बनाई है, बड़ी इसमें क्या क्या बनाया बता दे, एक्सप्लेन कर दे, इधर आ जा सामने। ये लड़का झूला झूल रहा है, वो भी रात में मून को देखते देखते, और ये एक उस पत्थर पे हाँ कर रहा है। पर ये देखो गाइस, ये लड़का है झूला झूल रहा है, और ये लड़की है, ये लड़की है चांदनी रात में पहाड़ पे। हाँ, पहाड़ पे है, ब्लू पहाड़ पे रात को ऐसे दिखता है। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। तो गाइज अभी शाम हो चुकी है 4:15, और अभी मम्मी सो रही है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही है,
तो इतने मम्मी पापा के पास होकर आती है हेमलता और सिस्टी, खासकर नानू नानी ने सिस्टी को बुलाया था। तो चलो फिर मैं इनको ना थोड़ी देर मतलब ड्रॉप करके और फिर मैं जाऊंगा अपने जिम, क्योंकि आज वैसे भी संडे तो मेरा जिम जल्दी बंद हो जाता है और आज मेरा लास्ट डे है 75 हार्ड डे का, तो आज तो जिम बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। अब पापा की चीटिंग हो सकती है। चलो ये लो जी गुजिया ली है सिस्टी के नानी नानू के लिए गुजिया। मैं खुद को लगा लूं पहले? हाँ खुद को लगा ले। कल सिस्टी के कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा ऐसी होली खिलाएंगे ना सिस्टी को। तो गाइज अभी पता है क्या सीन हुआ, अभी हेमलता को ड्रॉप करके मैं वहां पर मैं निकला था अपने जिम के लिए, मतलब क्योंकि आज मेरा 75 का हार्ट मतलब जो आज है लास्ट डे है और लास्ट डे में मुझे एनी हाउ मुझे जिम करना ही था, पर सीन ऐसा हुआ ना कि मैं जिम जा ही नहीं पाया। जैसे मैं निकला ना वहां से तो रेनू का कॉल आ गया कि भाई, क्योंकि वो आज अपना फोन लेने के लिए गई है तो उसने बाय किया आईफोन, तो हेमलता के लिए भी उसने प्लान कर लिया था, मुझे नहीं पता था फोन के लिए। तो फिर वो क्या था ना कि उसको फाइनेंस कराना था तो उसके उससे लिमिट ख़त्म हो गई थी, तो फिर उसके बाद फिर उसने मुझे कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे ये सब प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ऐसे प्लान किया है भाभी के लिए, आप भाभी के साथ साथ तो नहीं होना? मैंने कहा नहीं मैं भाभी के साथ नहीं हूँ, मैं अभी निकला था अपने जिम जाने के लिए, और बिल्कुल सही टाइम पर उसने फोन कर दिया। हाँ बस इसमें ये हुआ कि मेरा जिम स्किप हो गया, क्योंकि जिम मेरा हो जाता था जल्दी बंद 7 बजे और वही हुआ। खैर कोई बात नहीं, जहां वो इतना एफर्ट कर रही है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। तो चलो अभी घर पहुंचते हैं, सबसे पहले तो अभी मुझे हेमलता को लेने जाना है और वो बस ही छोड़ के आया था, वहीं से ले जाके उसको फिर घर पे चलते हैं, फिर वहां देखते हैं। फिर एक सीन क्रिएट किया है कि हेमलता को देंगे सरप्राइज, तो प्रैंक कर रहे हैं उसके साथ कि भाई वो अब ये दिखाएगी कि देखो ये मैं ये वाला फोन लेके आई हूँ जो हेमलता के लिए। तो चलो चलते हैं कि फिर कैसे होने वाला है चीज। तो गाइज इनको ले लिया है, अब लेके पहुंच रहा हूँ बस घर जल्दी से, घर पे मिलता हूँ सीधा। होली खेल लिया, होली घर से मेरे से पहले होली खेलाई है। ये गाइज हमारी चाय आ चुकी है, चाय पे होगी चर्चा, और रेनू ने लिया है फोन, तो फोन की होगी अब पार्टी। पार्टी चाहिए, हम अभी चाय खत्म करके बैठे हैं, हमारा दूसरा प्याला आ गया, दूसरा रस का अमृत रस, यही पार्टी दी थी मैंने, चाय पार्टी। चाय पार्टी में तो मैं ना चाय पार्टी मैं बना दूंगी, बन जाएगी चाय पार्टी। नहीं हमने बना ली हमने, आप नहीं दूसरी बाहर जाएंगे ना? हाँ तक नहीं नहीं, अरे कैसी बात कर रही हूँ, 12 पेटी मंगा रखी है मैंने, दूसरा मेरे पास भी है दूसरी पेटी। गाइस इसको बहुत चस्का चढ़ रहा है, इसको कह रही है भांग पीनी है मुझे कल, बस भांग ही ना पी ले बस, वो है हमारे पास पीनी है मेरे पर ना, मुझे मतलब देखना है सारा, ज्यादा खाना भी नहीं है उसमें, सब निकल जाएगा खाना, तो वैसे नहीं होता नाचने गाने में। अरे वो वीडियो में बना रहे वीडियो में भाई, बाइक कितने की ली है? 4,000 रूपए की बाइक ली है और 10,000 रूपए की पार्टी मांग रहे हैं। कैसी कैसे बात भाभी ने कह दी, मैंने कहा मीठे मुंह तो मीठा होना चाहिए, लड़की फोन लेके आई है, मैंने काजू कतली मंगा लेते हैं, रसगुल्ले, कहती रसगुल्ले नहीं काजू कतली, मैंने बोला फिर काजू कतली मंगा लेते हैं, कह रही नहीं काजू कतली नहीं सब डाइट पे है, कहती पिज्जा मंगा लेते हैं, मतलब वैसे डाइट पे है, मीठे के लिए डाइट होता है शुगर अवॉइड करने, पता है जब फोन लेके होता नहीं है मैदा तो होता ही नहीं है। एक चीज और बताऊं, वेजिटेबल्स होती हैं। ये जो जो फ्लावर है ना इसकी जगह है ना, मैं पिज्जा मंगाने की ट्राई कर रहा था 2 दिन से, चीज बस पिज्जा। ये बता भी दो, ये किसी को नहीं पता ये फ्लावर कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किसी को नहीं पता, ये यहाँ पे फ्लावर कोर्ट में लग गए हैं, वो रेस रेस से बाद में खुल गए। जब आपने इनको खेल दिया बेचारों को।